जिंदगी में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हमें अपने से खुद से कर लेना चाहिए, जरूरी नहीं है कि उसे हम किसी दूसरे पे टाल दें तभी वह हम बहुत बड़ा सीनियर हो सकते हैं या फिर हम बहुत काफी सक्सेस पर्सन हो सकते हैं। जो हम कर सकते हैं इतना कोशिश करना चाहिए, जो हम कर सकते हैं उसे खुद कर लेना चाहिए। आपको एक छोटी सी बात बताने की कोशिश करेंगे, सुनिएगा, आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। कि एक बार एक विदेशी, उन्होंने एक आपको समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम सुना होगा आपने, वो बोले कि इंडिया में ईश्वरचंद विद्यासागर का मैंने बहुत नाम सुना हो। एक बार वो मिलने के लिए कोशिश करता है तो विदेश से आकर के अपने भारत में जो उतरता है एक बार एक जगह स्टेशन पे, तो अचानक वह चारों तरफ देखता है, उसे कोई कुली उली दिखाई नहीं देते, उसके पास काफी सामान लगेज था। तो एक आदमी को बुलाता है, बोलता है कि यहाँ पे कुली उली नहीं है क्या है? तो वो आदमी बोलता है कि बताइए सर क्या बात है, कहें बहुत अजीब सा जगह है, यहाँ पे कोई कुली उली नहीं है। कहें साहब बोलते बोलिए क्या बात है, कहें बैग हमारा ले जाना है। बोले कहाँ पे जाना है साहब? तो वो विदेशी बोलता है कि मुझे ईश्वरचंद विद्यासागर से मिलना है। तो वो आदमी थोड़ा सा अचंभित होता है, उसके बाद बोलता है कि क्या आप ईश्वरचंद विद्यासागर को देखे हैं? तो बोला नहीं देखे नहीं है, बट उनका बहुत नाम सुने हैं और सुने हैं बहुत भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं। तो कहते हैं ठीक है चलिए हम आपका सामान पहुंचा देते हैं। कहें आप कुली हो? कहें ठीक है समझ लीजिए कुली ही है। वह सामान लेकर के जाता है और एक दरवाजे पर रख देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि आप बैठिए हम उन्हें बुला देते हैं। तो विदेशी बैठता है, उसके बाद कुछ देर अंदर घर घर में अंदर जाते हैं, फिर लौट करके आते हैं, पूछते हैं बोलिए क्या बात है? यार मुझे ईश्वरचंद विद्यासागर से मिलना है। तो वो आदमी बोलते हैं कि हाँ कहिए, हम ईश्वरचंद विद्यासागर हैं। आपको बता दें कि वह विदेशी कुछ पल के लिए काफी आश्चर्यचकित हो गया था, कि वो बोले कि सर आपने बताया नहीं कि आप ही ईश्वरचंद विद्यासागर हैं। और उन्होंने बस इतना ही बोला था, ईश्वरचंद विद्यासागर उस समय बस इतना ही बोले थे कि हमें कुछ ऐसे वर्क होते हैं कार्य जो हमें खुद कर लेना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हम किसी दूसरे पर डिपेंड हो या किसी दूसरे से मतलब कह करके सिंसियरिटी दिखाएं तभी हम सीनियर हो सकते हैं, हमें अपना काम खुद भी कर लेना चाहिए। उस समय वह जो विदेशी था वह समझ गया कि भारत में ऐसे ऐसे